अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज के वीडियो हम फुल रिव्यू करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 7 का। इसका एक प्रो वर्जन भी आता है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के नाम से, जिसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू हम पहले कर चुके हैं और उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की वीडियो दोस्तों टेक्नो स्पार्क 7 का फुल रिव्यू करेंगे, देखेंगे कैसी डिवाइस है, क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं इस डिवाइस के, और जिस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस लॉन्च की गई है उसमें ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, आपको बाय करनी चाहिए या नहीं, तमाम आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो काफी जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी है इस डिवाइस की, काफी सॉलिड बिल्ड है और डिजाइन भी काफी अच्छा है इस डिवाइस का। यहां पर बैक साइड पे आपको प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन मिलता है और मैट फिनिश के साथ है, मींस के फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहां पर आपके नहीं लगेंगे। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको एक पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर खींच मिल जाती है, ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया, और एक साइड पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है जो कि फुल फ्लैश सिम ट्रे है, डुअल सिम के साथ आप एक माइक्रो एसडी कार्ड का यहां पर यूज कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको एक माइक मिल जाता है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट है और 3.5 mm का जैक आपको मिल जाता है। फ्रंट साइड पर अगर देखें तो ड्यू ड्रॉप नॉच आपको मिलती है और आईपीएस पैनल दिया गया है 6.5 इंच का। यहां पर एक चीज मुझे मिसिंग लगी है और वो है इसका स्पीकर। स्पीकर ग्रिल आपको यहां पर नहीं मिलती, आपकी डिवाइस का जो एयर पीस है वो ही स्पीकर का काम करेगा, तो ये एक मुझे इसकी डाउन साइड लगी। एक स्पीकर ग्रिल यहां पर होनी चाहिए थी, एक्सटर्नल स्पीकर आपको देना चाहिए था यहां पर। तो डिजाइन वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी जबरदस्त डिवाइस है, किसी किस्म का कोई इशू आपको यहां पर नहीं मिलेगा। कनेक्टिविटी की दोस्तों यहां पर बात करें तो कॉल्स क्वालिटी आपको काफी जबरदस्त मिल जाती है, सिग्नल स्ट्रेंथ काफी जबरदस्त है, वाईफाई और सेलुलर डाटा 4G वगैरह जो आप यूज करते हो उनकी स्पीड भी काफी जबरदस्त है। इसके अलावा ब्लूटूथ OTG वगैरह के तमाम ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज जो काफी लोग बाद में पूछते हैं वो ये है कि यहां पर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, मींस कि आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो टेक्नो स्पार्क 7 में। डिस्प्ले की दोस्तों यहां पर बात करें तो 6.5 इंच का एक आईपीएस पैनल यहां पर दिया गया है, ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ है, और यहां पर जो विजिबिलिटी है, जो ब्राइटनेस है वो काफी जबरदस्त है, आउटडोर में भी काफी अच्छी विजिबिलिटी आपको मिल जाती है। हाँ, थोड़ा सा आपको इश्यूज रहेंगे अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको यूज करते हो तो तब आपको विजिबिलिटी के थोड़े इश्यूज रहेंगे। कैमराज की दोस्तों यहां पर बात करें तो रेयर में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 16 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा यहां पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, और दोनों कैमराज के साथ, फ्रंट और बैक दोनों कैमरा के साथ आपको LED फ्लैशेज मिल जाती है जिनका आप यूज कर सकते हो। कैमराज की क्वालिटी अगर बात करें तो यहां पर आपको एवरेज सी क्वालिटी आपको मिल जाती है, ना ही इतनी अच्छी है ना ही इतनी बुरी है, दरमियानी सी आपको जो है इमेज और वीडियोस की क्वालिटी मिल जाती है। यहां पर जो ब्लर है दोस्तों, मतलब पोर्ट्रेट इमेजेस या वीडियो के अंदर आप ब्लर का ऑप्शन यूज करते हो तो उसके अंदर जो ब्लर होता है वो मुझे पसंद नहीं आया इसका, मतलब कि एज डिटेक्शन अच्छी तरह से नहीं कर पाता, एजेस कहीं से मिसिंग कर देता है, कहीं से ज्यादा ब्लर कर देता है, कहीं से कम ब्लर करता है, और वो एक नेचुरल ब्लर आपको नहीं मिल पाता, आर्टिफिशियल सा ब्लर आपको वहां पर फील होता है। दूसरा, कैमरा जब मैं इसका टेस्ट कर रहा था तो यहां पर मुझे एक इश्यू भी आया, वो था कि वार्निंग बार बार आ रही थी कि आपकी डिवाइस जो है वो काफी हीटअप हो चुकी है, इसको आप जो है कैमरा को ऑफ कर दें। अब ये जो प्रॉब्लम है ये रेडमी के फोन्स में भी आया था, अभी रेडमी नोट 10S जो लॉन्च किया गया था उसके भी काफी यूट्यूबर्स ने जो है बनाई है वीडियोस कि इसका जब कैमरा आप थोड़ी देर तक यूज करते हो तो वहां पर भी आपको वार्निंग देखने को मिलती है। तो यहां पर भी सेम इशू मुझे जो है फील हुआ है, मुझे भी बार बार जो है जब मैं कैमरा को टेस्ट कर रहा था तो ये जो है वार्निंग मुझे देखने को मिल रही थी कि आपकी जो डिवाइस का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, आप जो है कैमरा को ऑफ कर दें। अब इसके पीछे मुझे दो रीजन जो है समझ आते हैं। सबसे पहला रीजन कि गर्मी काफी बढ़ चुकी है, टेम्परेचर काफी हाई हो चुका है, ये एक रीजन हो सकता है मेन रीजन, क्योंकि हम डायरेक्ट सनलाइट के अंदर धूप के अंदर मैं टेस्ट कर रहा था तो ये एक रीजन हो सकता है कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये बार बार से जो है हीट हो रहा था और बार बार से मुझे वार्निंग दे रहा था। और दूसरा जो रीजन मेरी समझ में आता है वो ये है कि ऑप्टिमाइजेशन का इशू हो सकता है कि जो प्रोसेसर आपकी डिवाइस में लगाया गया है और जो आपकी डिवाइस का हार्डवेयर है वो दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की वार्निंग्स आपको बार बार देखने को मिलती है। और ये इतना बड़ा इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए ये जो इशू है ये ठीक हो सकता है। तो कैमराज की जो क्वालिटी है वो एवरेज आपको मिल जाएगी रियर और फ्रंट दोनों कैमराज से। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शंस की बात करें तो तमाम के तमाम ऑप्शंस आपको यहां पर कैमराज में मिल जाते हैं, नाइट मोड भी है, स्लो मोशन वगैरह, टाइम लैप्स वगैरह के तमाम ऑप्शंस जितने भी आपको मतलब चाहिए होते हैं किसी भी कैमरा में वो तमाम के तमाम ऑप्शन इसकी कैमरा एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। यूजर इंटरफेस की दोस्तों यहां पर बात करें तो यहां पर हाई ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 7.5.0 आपको मिलता है जो कि एंड्रॉइड 11 बेस्ड है, और जो डे टू डे यूजेज है डिवाइस का वो काफी जबरदस्त है, किसी किस्म का हैंग वगैरह का इशू यहां पर यूज करने में नहीं आया है। यहां पर थोड़ा सा आपको जो है ना मतलब एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं और कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन ब्लॉट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप डिलीट कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा इंस्टेंट ऐप करके यहां पर एक फीचर है, जब आप ऐप ड्रावर को ओपन करते हो तो वहां पर ऊपर इंस्टेंट ऐप्स
करके जो है एक एड नुमा चीज आपको देखने को मिलती है, जहां पर डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट गेम्स की जो है एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरह का थोड़ा ब्लॉटवेयर वगैरह का इशू आपको यहां पर रहेगा, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आप इन तमाम चीजों को ऑफ कर सकते हो और जो प्री इंस्टॉलर एप्लीकेशन है उनको आप जो है अन इंस्टॉल ईजिली कर सकते हो। गेमिंग और परफॉर्मेंस की दोस्तों यहां पर बात करें तो मीडिया टेक हिलियो G70 का यहां पर चिपसेट लगाया गया है, जिसका मतलब यह है कि गेमिंग आपको काफी जबरदस्त यहां पर मिल जाती है। पबजी मोबाइल की अगर बात करें तो स्मूथ और बैलेंस में आप अल्ट्रा फ्रेम रेट्स तक जो है पबजी खेल सकते हो और HD में आप हाई फ्रेम रेट्स तक खेल सकते हो। यहां पर जो परफॉर्मेंस है गेमिंग की वो काफी स्मूथ मुझे लगी है, काफी अच्छी गेमिंग आप यहां पर कर सकते हो। पबजी मोबाइल काफी स्मूथली आप खेल सकते हो, किसी किस्म का कोई इशू आपको यहां पर नहीं आता। हाँ, एक कमी यहां पर है और वो है जायरोस्कोप। यहां पर जायरोस्कोप आपको नहीं मिलता, ना ही सॉफ्टवेयर बेस्ड है और ना ही हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप आपको मिलता है, तो ये कमी है। इसके अलावा जो गेमिंग है वो काफी अच्छी यहां पर आप कर सकते हो टेक्नोस्पार्क 7। बैटरी की दोस्तों यहां पर बात करें तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी यहां पर आपको लगाकर दी गई है, जो कि काफी जबरदस्त किस्म का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगी। अगर आपको नॉर्मल यूजर है तो आपको 1.5 दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा टेक्नोस्पार्क 7 में, और अगर आपका ज्यादा यूजर है, गेम्स आप ज्यादा खेलते हो या इंटरनेट का ज्यादा यूज करते हो, तब भी आपको आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर देगी। हाँ, यहां पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको नहीं मिलती है, सिर्फ 10 वॉट की चार्जिंग आपको दी गई है, जिसका मतलब यह है कि जब आप इसको चार्जिंग पे लगाओगे तो उस टाइम आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा, काफी टाइम लेगी चार्ज होने में। अदरवाइज जब एक बार चार्ज हो जाएगी तो फिर काफी टाइम तक आप जो है इस डिवाइस को यूज कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक चीज जो मुझे काफी जबरदस्त डिवाइस में लगी है कि 6000 mAh की बड़ी बैटरी यहां पर लगाई गई है, लेकिन फिर भी इसका वेट जो है काफी मैनेजेबल है, काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, किसी भी तरीके से आपको हैवी वेट डिवाइस जो है ये फील नहीं होती है। प्राइसिंग की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 18,999 रुपये। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से इसको परचेज करते हो तो डिस्काउंट के साथ आपको 17,600 तक इजीली ये डिवाइस अवेलेबल हो जाएगी। और इस प्राइस कैटेगरी में आप अगर देखो तो इस प्राइस कैटेगरी में कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो आपको मीडियाटेक हीलियो G70 जैसा पावरफुल चिपसेट प्रोवाइड करे। इस प्राइस कैटेगरी में मोस्टली आपको मीडियाटेक A20, A22, G25, G35 जैसे ही चिपसेट देखने को मिलते हैं, तो ये फर्स्ट डिवाइस आप बोल सकते हो जो आपको इस कैटेगरी में, इस प्राइस कैटेगरी में मीडियाटेक हीलियो G70 जैसा पावरफुल चिपसेट प्रोवाइड कर रही है, जिसको आप डे टू डे यूजेज के लिए भी यूज कर सकते हो, गेमिंग भी आप अच्छी कर सकते हो और बाकी जितने भी टास्क एक फोन पर आप जो है परफॉर्म करते हो वो तमाम के तमाम एक अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से आप जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में ये डिवाइस जो है इस प्राइस कैटेगरी में 100% वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, और अगर आप इसको लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप 100% इसको बाय कर सकते हो किसी किस्म का डाउट किए बगैर। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।